एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां बिंदेश्वरी बघेल का रविवार की शाम निधन हो गया। रामकृष्ण अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहीं मौजूद थे। मुख्यमंत्री की मां के पार्थिव शरीर को भिलाई स्थित 3 नंबर घर ले जाया गया। सुबह 7 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां बिंदेश्वरी बघेल के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। भिलाई स्थित 3 में उनका घर, यहां पर शव, पार्थिव शव रखा गया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां बिंदेश्वरी बघेल का रविवार की शाम को निधन हो गया। दर्शकों को बता दें, बेहद ही दुखद खबर है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां लंबे समय से बीमार चल रही थी। अस्पताल में भी काफी उनका इलाज चला और रविवार की शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। रामकृष्ण अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहीं पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री की मां के पार्थिव शरीर को भिलाई स्थित उनके घर ले जाया गया। सुबह 7 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां बिंदेश्वरी बघेल की अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में सीएम के घर लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा, प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी और चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन ने अंतिम दर्शन किए हैं। साथ ही कांग्रेस सहित अन्य दलों के विधायक भी अंतिम दर्शन के लिए भिलाई स्थित उनके घर पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या कुछ जानकारी है सीएम के घर, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मां बिंदेश्वरी बघेल का जो पार्थिव शरीर है वो उनके भिलाई 3 स्थित इसी निवास में अभी रखा गया है लिए, और बड़ी संख्या में उनके जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा, इसके अलावा जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रामकृष्ण मेनन, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। और कुछ देर पहले यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं धरमलाल कौशिक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी सहित कुछ देर पहले ही यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार लोगों के आने का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। लोग अंतिम दर्शन कर बिंदेश्वरी बघेल को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कल जिस तरीके से शाम करीब 5 बजे रामकृष्ण अस्पताल में उनका निधन हुआ था, उसके बाद से ही लगातार उनके घरों में जो अलग अलग दल के नेता हैं वो पहुंचकर दुख जता रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और काफी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पीएल पुनिया जो छत्तीसगढ़ प्रभारी कांग्रेस को, उनके भी आने की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो सीएम है कमलनाथ, वो करीब 2 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे, वो भी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। तो लोगों के लगातार आने का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है, लोगों का तांता यहाँ पर लग रहा है, और कुछ देर बाद यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के बाद लोग यहाँ पर अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और भिलाई 3 जो मुक्ति धाम है वहीं पर अंतिम संस्कार बिंदेश्वरी बघेल का होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मंत्री कवासी लखमा यहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो तमाम प्रवक्ता हैं कांग्रेस के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो यहाँ पर डीजीपी, आईजी और जो रायपुर एसएसपी हैं हरीफ शेख, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। पूरे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचकर बिंदेश्वरी बघेल को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हालांकि बुरी खबर है, बेहद ही दुखद खबर है हेमंत, बिंदेश्वरी बघेल जो कि सीएम बघेल की मां थी, उन्होंने कल रामकृष्ण अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। हालांकि आप बता रहे हैं तमाम नेतागण यहाँ आए हैं, तमाम राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से भी क्या इस दौरान कोई पहुंचा है वहां पर?
देखिए, मैंने पहले ही बताया कि जो छत्तीसगढ़ प्रभारी है पीएल पुनिया, उनके आने की संभावना है। हालांकि अभी तक वो यहाँ पर पहुंचे नहीं है और इसके अलावा कोई भी केंद्रीय जो नेता है उनके आने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश के कमलनाथ जो सीएम है कमलनाथ, वो करीब दोपहर 2 बजे स्टेट ट्रेन के जरिए रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर से सीधे भिलाई 3 यहाँ पर पहुंचेंगे। महज आधे घंटे का सफर है रायपुर से और यहाँ पर पहुंचकर वो अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। बाकी किसी नेता के यहाँ पर आने की संभावना नहीं है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। हालांकि यहाँ पर जो भाजपा के दिग्गज नेता है, चाहे डॉक्टर रमन सिंह की बात करूँ, चाहे धर्मलाल कौशिक की बात करूँ, चाहे प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंडी की बात करूँ, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने अंतिम दर्शन बिंदुसूर्य बघेल का किया है और उनको श्रद्धांजलि भी दी है। जिस तरीके से उनको 24 जून को भर्ती किया गया था रामकृष्ण अस्पताल में, कार्डियक अटैक उनको आया था, उस समय उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी। हालांकि बीच में सुधार भी हुआ था, फिर एक ऐसी स्थिति बनी थी कि उनको दिल्ली ले जाने की बात चल रही थी। हालांकि उनको दिल्ली ले जाया नहीं गया और वहीं पर रामकृष्ण अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उसके बाद कल देर शाम करीब 5 बजे उनका निधन हो गया। गंभीर स्थिति 2 दिन से बनी हुई थी और जिस समय उनका निधन हुआ उस समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत उनका पूरा परिवार उस वक्त मौजूद था। हेमंत, कब तक ये अंतिम संस्कार इनका किया जाएगा और किन किन के शामिल होने की उम्मीद शाम तक और जताई जा रही है? देखिए, लगभग 11 बजे के आसपास ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अंतिम यात्रा भिलाई 3 स्थित उनके घर से निकाली जाएगी, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है काफी समय हो जाएगा, करीब 1 से 1.5 बज सकता है अंतिम यात्रा निकलने में, क्योंकि लगातार लोगों के आने का सिलसिला चल रहा है। न सिर्फ जो राजनेता है बल्कि जो आम लोग हैं, जो चाहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, जो उनका गाँव है पाटन के बिलौदी, वहां से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो आने लोग जितने बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं इसी के चलते देरी हो रही है, लेकिन 1 से 1.5 बजे उम्मीद जताई जा रही है कि अंतिम यात्रा यहाँ पर निकलेगी और भिलाई 3 स्थित मुक्ति धाम में बिंदुसूर्य बघेल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हेमंत, एक बार दर्शकों के लिहाज से चाहेंगे एक बार आप तस्वीरें जरा विस्तार से दिखाएं, वहां पर क्या क्या स्थिति चल रही है और कौन कौन वहां मौजूद है, कितनी संख्या में लोग और जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद है। जी, निश्चित तौर पर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये उनका घर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जहाँ पर भिलाई 3 स्थित उनका घर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहीं से अंदर गए हैं और अभी भी वो अंदर मौजूद हैं, श्रद्धांजलि वो दे रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और भीड़ देख के अंदाजा लगा सकता है कि कितने चाहने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हैं। लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अंतिम यात्रा कुछ देर बाद यहाँ से निकलेगी, फिर उसके बाद अंतिम संस्कार मुक्ति धाम में किया जाएगा। मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के कमलनाथ, वो भी करीब 2 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचेंगे। हेमंत, बने बने रहिए हमारे साथ, आपसे दोबारा भी फीडबैक।